सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के बारे में, जो कि पिछले साल की चैंपियंस यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पिछले साल उनके सारे बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी, तो वहीं गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी, तो वहीं मुंबई इंडियंस के सारे ही ऑलराउंडर ने कहीं ना कहीं जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया था, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2019 की चैंपियंस भी बनी थी और आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम भी बन गई थी मुंबई इंडियंस की टीम, जो कि मुंबई इंडियंस की टीम चार बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, जिसके साथ पहली ऐसी इकलौती टीम है। तो वहीं मुंबई इंडियंस की टीम में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जो अपनी क्षमता के तहत इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे पिछले साल, और इसके चलते इनके खराब परफॉर्मेंस के चलते मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 के लिए इन्हें अपनी टीम से रिलीज कर देगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम इनके खराब फॉर्म के चलते आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर देगी, और ये पांच के पांच बड़े खिलाड़ी जाएंगे आईपीएल 2020 के ऑक्शन में, और इनकी जगह पर मुंबई इंडियंस की टीम नए खिलाड़ी को टीम में शामिल करेगी। तो गाइस पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस और आईपीएल के चाहने वाले तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वहीं इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है, नॉनस्टॉप प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच, और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तभी इस ऐप को डाउनलोड करिए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस के उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 के लिए अपने टीम से रिलीज कर देगी उनके खराब फॉर्म के चलते, तो यहाँ पर नंबर एक पर नाम आता है बरिंदर सरन का, जो कि एक जबरदस्त गेंदबाज है, जो कि आईपीएल 2019 में सिर्फ 2 मैचों में खिलाया गया था और इन दोनों मैचों में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे, काफी ज्यादा रन लुटाए थे और एक भी विकेट नहीं छटका पाए थे अपने गेंद से। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम इनके खराब फॉर्म के चलते इन्हें आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर देगी और इनकी जगह पर किसी दूसरे खिलाड़ी को शामिल करेगी। अब अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी के बारे में तो नंबर दो पर नाम आता है बेन कटिंग का, जो कि एक जबरदस्त ऑलराउंडर माने जाते हैं और मुंबई इंडियंस की टीम में एक से बढ़कर एक जबरदस्त ऑलराउंडर भी मौजूद है, जो कि आईपीएल 2019 का इनके सीजन काफी खराब गया था, जो कि इन्हें सिर्फ 3 मैचों में मौका मिला था और इन 3 मैचों में ना ही अपने बल्ले और ना ही अपने गेंद से कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस करके दिखा पाए थे, जो कि 3 मैचों में सिर्फ 18 रन ही बना पाए थे अपने बल्ले से। तो वहीं बॉलिंग में भी कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, जो कि इन 3 मैचों में सिर्फ 1 ही विकेट छटका पाए थे और काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे। ऐसे में साफ दिखाई कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 के लिए इन्हें अपनी टीम से रिलीज कर सकती है और इनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी को शामिल कर सकती है। अब अगर बात की जाए तीसरे खिलाड़ी के बारे में तो नंबर 3 पर नाम आता है युवराज सिंह का। जी हां, जो कि युवराज सिंह एक बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन आईपीएल 2020 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम इन्हें अपनी टीम से रिलीज कर देगी। जहां युवराज सिंह ने आईपीएल 2019 की शुरुआत हाफ सेंचुरी बनाकर की थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे जो कि इनसे काफी ज्यादा उम्मीद थी, जो कि 4 मैचों में इन्हें मौका दिया गया था और इन 4 मैचों में सिर्फ 98 रन ही बना पाए थे अपने बल्ले से। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम युवराज सिंह को भी आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर देगी। अब अगर बात की जाए चौथे खिलाड़ी के बारे में तो नंबर 4 पर नाम आता है आदित्य तारे का, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन आईपीएल 2018 तो वहीं आईपीएल 2019 जो कि इन्हें एक भी मैच में मौका नहीं मिला। ऐसे में साफ जाहिर है कि मुंबई इंडियंस की टीम इन पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं जता रही है, और वैसे भी मुंबई इंडियंस की टीम में जहां क्विंटन डिका का एक विकेट कीपर बल्लेबाज मौजूद है, तो वहीं इसके बाद ईशान किशन भी मौजूद है जो एक विकेट कीपर बल्लेबाज है टीम के लिए। ऐसे में इन्हें लगातार मौका ना मिलना साफ जाहिर है कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 के लिए इन्हें भी अपनी टीम से रिलीज कर देगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें पांचवें खिलाड़ी के बारे में तो नंबर 5 पर नाम आता है ब्यूरन हेंड्रिक्स का, जो कि एक जबरदस्त तेज गेंदबाज है, जो कि साउथ अफ्रीका के T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं, जो कि आईपीएल 2019 के बीच में इन्हें एज रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था अल्जारी जोसेफ की जगह पर, और आईपीएल 2019 में इन्हें एक भी मैच में भी नहीं खिलाया गया था। ऐसे में जब आईपीएल 2020 के लिए अल्जारी जोसेफ फिट हो जाएंगे तो इन्हें टीम से खुद ब खुद बाहर होना पड़ेगा और आईपीएल 2020 के ऑक्शन में जाएंगे। तो गाइस ये रहे वो पांच बड़े खिलाड़ी जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर सकती है इनके खराब फॉर्म के चलते। तो गाइस आपके हिसाब से वो कौन से पांच बड़े नाम होने चाहिए जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम अपनी टीम से रिलीज कर दे आईपीएल 2020 के लिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।